वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, मध्य प्रदेश का 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया है, कहते हुए बड़ा कष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट हो रहा था और विपक्ष उस बजट को सुनना ही नहीं चाह रहा था। विपक्ष के इस आचरण की जितनी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने कहा, जनता का बजट जनता के लिए है। बजट तैयार करने, जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वस्पर्शी बजट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। आज मध्य प्रदेश सरकार का 2024-25 का बजट प्रस्तुत हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका बजट आज प्रस्तुत किया है। छोटा सा प्रेजेंटेशन जो हमारे डायरेक्टर बजट ने प्रस्तुत किया है, बहुत सारा विस्तार से आया नहीं है, लेकिन विस्तार वाली आपको बुक उपलब्ध बहुत जल्दी करवा देंगे। और कुछ प्रश्न भी हैं, लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है और विपक्ष उस बजट को सुनना ही नहीं चाह रहा है। ये आचरण जो आज था विपक्ष का, मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसा आचरण मुझे लगता करना नहीं चाहिए। मैं आज इस बजट के संबंध में, चूंकि पहले भी हमने बजट जब प्रस्तुत किया था उसके पहले हमने जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे और बजट से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ थे उनके भी हमने संवाद, हमने प्रशासन एकेडमी में हमने भी उनको बुला करके उनसे भी संवाद किए थे और भी कई प्रबुद्ध जनों से भी हमने सब लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे। सारे सुझावों को हमारे सभी वित्त विभाग की सारी टीम ने बैठ करके बहुत मंथन किया और हमने पूरी कोशिश की कि बजट मध्य प्रदेश का अच्छा बजट हो। उनके सुझाव को हमने उसमें सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की, सुझाव हमने सम्मिलित किए भी हैं उसमें। निश्चित रूप से जनता का बजट जनता के लिए और आज हमने उनको ही समर्पित किया है। ये सर्वस्पर्शी बजट है, सभी वर्गों का हमने विशेष तौर से ख्याल